राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को सोने में गिरावट आई है। सोने का भाव 163 रुपए गिरकर 36,807 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। कारोबारियों के अनुसार ज्वेलर्स की मांग घटने और कमजोर वैश्विक रूप के कारण सोने में नरमी रही। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने यह जानकारी दी कि सोमवार को सोने में 800 रुपए की तेजी आई थी, जिससे इसके भाव अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 36,970 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। तरह से चांदी के भाव आज 80 रुपए की गिरावट के साथ 43,020 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गए। कारोबारियों के अनुसार औद्योगिक इकाइयों और सिक्का कारोबारियों द्वारा ली वाली कम होने से भाव में मंदी आई है। सोमवार को चांदी में 1,000 रुपए की तेजी आई थी, इसके भाव 43,100 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए थे। वैश्विक स्तर की बात करें तो आज न्यूयॉर्क में सोना गिरावट के साथ 1,462.50 डॉलर प्रति औंस पर, चांदी 16.43 डॉलर प्रति औंस पर रही। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में आज 99.9% शुद्धता वाला सोना 163 रुपए की गिरावट के साथ 36,807 रुपए प्रति 10 ग्राम पर और 99.5% शुद्धता वाला सोना 165 रुपए की गिरावट के साथ 36,635 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं सोने की गिनने की कीमत आज 27,600 रुपए प्रति 8 ग्राम पर स्थिर रही। 80 रुपए की गिरावट आई, इसका भाव 43,020 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। वहीं साप्ताहिक डिलीवरी वाली चांदी में 112 रुपए की गिरावट, जिससे इसका भाव 42,291 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया। उधर चांदी के सिक्कों की ली वाली कीमत 85,000 रुपए प्रति सैकड़ा और बिक वाली कीमत 86,000 रुपए प्रति सैकड़ा पर स्थिर रही।